हेलो दोस्तों, आज हम जो है एनिमल किंगडम में फोर टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज, प्लेटीहेलमिन्थीज, प्लेटी वर्ड कहाँ से आया? चपटे, प्लेटी मतलब होता है चपटे हुए। क्या हुआ? चपटे हुए एनिमल। इसमें जो है जो भी एनिमल्स होंगे क्या है, थोड़े फ्लैटेंड होंगे, चपटे हुए होंगे। प्लेटी वर्ड, प्लेटीहेलमिन्थीज को कॉमनली नोन एज किस नाम से जाना जाता है? फ्लैट वॉर्म, मतलब फ्लैट वर्म के नाम से प्लेटीहेलमिन्थीज को जानते हैं। और इसकी बॉडी कैसी होती है? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। मतलब जैसे कि ये एनिमल्स है और इसकी जो है वेंट्रली साइड है, इसका माउथ जिधर है, और उसके पीछे जो बैक बोन होती है वो क्या है? फ्लैटेंड होती है, काफ़ी चपटा होता है। जैसा हमारा एक कंघा ले लेते हैं, वैसे कुछ लाइक बॉडी होती है। मोस्टली क्या है, इंडो पैरासाइट्स होते हैं। इंडो पैरासाइट मतलब होता है कि किसी न किसी कोई इसका कोई होस्ट होगा। मतलब जैसे कि हमारे स्टमक में या इंटेस्टाइन में क्या है, कोई जंतु क्या है पाया जा रहा है, और मतलब उसे हम क्या कहते हैं? इंडो पैरासाइट्स कहते हैं। जैसे इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर पैरासिटिक फॉर्म में पाया जा रहा है, और उसमें क्या है, हुक्स और सकर पाए जाते हैं। हुक्स या सकर उसको जो है हुक्स और सकर का कार्य क्या होता है? या तो उसको अटैच करेंगे या उससे जो है सक करेंगे, किसी चीज़ को न्यूट्रिशन लेंगे। फिर क्या कह रहा है कि इसमें क्या है, सिमेट्री कैसी पाई जाती है? बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल इन दिस सेंस क्या है, वर्टिकली हम क्या है, एक कोई इंडिविजुअल को क्या है दो भागों में क्या है बांट सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या है, एक्टो और इंडो के बीच में एक क्या है, मीजोग्लियल सेल, मीजोकाइम लेयर क्या है पाई जा रही है। ए सिमेट, सिलोमेट मतलब इसमें सिलोम, सिलोम क्या है अब्सेंट होता है। सम ऑफ द देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर द बॉडी सरफेस। जो इस मेंबर्स के जो मतलब जो है क्या है जंतु पाए जा रहे हैं, उसमें क्या है होस्ट के अंदर, मतलब कोई भी होस्ट है, कोई भी एनिमल है, या तो हम हमारे अंदर पाया जा रहा है इंटेस्टाइन या स्टमक के अंदर, तो उससे क्या है डायरेक्टली फूड को क्या है एब्जॉर्ब करेगा। जो हमारा डाइजेस्ट फूड है उससे क्या है डायरेक्टली क्या है उसे अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू क्या है ले लेता है। और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्लेटीहेलमिन्थीज में जो है फर्स्ट एक्रीटरी सिस्टम जो है डेवलप हुआ। मतलब एक्रीटरी सिस्टम हमारा जो है सबसे पहले कहाँ पाया गया है? प्लेटीहेलमिन्थीज में, जिसका नाम है फ्लेम सेल्स कहते हैं, या सोलेनोसाइट सेल, या प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं, जो कि प्रोटो हेल्प करता है ऑस्मोरेगुलेशन, मतलब जो है ऑस्मोरेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में किसी चीज़ को स्थापित करने में। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसमें भी सेक्स क्या है सेपरेट नहीं होते हैं, जिसे हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, जैसे कि हम पिछले चैप्टर में हमने फर्टिलाइजेशन मतलब जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को पढ़ा, जो चार मतलब जो है फाइलम में पाया जाता है। अगर हम चार फाइलम को जो है एक्सटर्नल से याद कर लेंगे तो इंटरनल की ज़रूरत हमें याद करने की नहीं पड़ेगी। डेवलपमेंट कैसा हो रहा है? इनडायरेक्ट, मतलब इसमें क्या है लार्वल स्टेज पाई जाती है। सब मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया, जैसे कुछ मेंबर जंतु में जैसे प्लेनेरिया है, वो पजेसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। इसमें क्या है हाई रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। रीजनरेशन मतलब होता है अगर उस जंतु का कोई भी छोटा सा या बड़ा सा पार्ट क्या है हट गया है या कट गया है या बेकार हो गया है, तो उसकी स्किन वो उस क्या है रीजनरेशन होती है, वो अपने आप फिर से क्या है बना लेता है। सम एग्जाम्पल ऑफ प्लेटीहेलमिन्थीज, इसमें ख्याली क्या है, तीन एग्जाम्पल दिए गए हैं प्लेटीहेलमिन्थीज में। हम इसको क्या है एक बाई जो है स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। हमने एक कोड तैयार किया है PTF। PTF में क्या है, P फॉर होता है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया को हम डुजेसिया के नाम से भी जानते हैं। T फॉर होता है टीनिया, T फॉर होता है टेप वॉर्म, टेप वॉर्म टीनिया को हम टेप वॉर्म के नाम से जानते हैं। F फॉर होता है फैसुला, फेसियोला, और F फॉर होता है क्या है लीवर फ्लूक, फ्लूक। ये हम जो है काफ़ी इसके कॉमन नेम्स भी हैं। आई होप हम अपने एक चैप्टर को डायग्राम के बेस पे भी हम क्या है अध्ययन करेंगे। आई होप यह हमारा चैप्टर काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे अमेजिंग चैप्टर की स्टडी करने के लिए हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।